नमस्कार, मैं पूजा सौरत, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाने पर बोले विधायक नीरज शर्मा। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि एक सच्चे राम भक्त का श्राप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लगा है। आज एक अभिमानी घमंडी एनआईटी की जनता को रुलाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक अंत हुआ। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने जब नगर निगम फरीदाबाद में बिना काम 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर 54 दिन नंगे पैर व बिना सिले कपड़े पहन प्रतिज्ञा की तो बड़े दो अधिकारी जेल में गए। एक अभिमानी घमंडी ब्राह्मणों को सताने वाला, NIT 86 की जनता को रुलाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक अंत हुआ। साथियों, मुझे प्रभु पे पूरा भरोसा है। जब पिछली बार कड़कड़ाती गर्मी में मैं नंगे पैर चला तो भी 2 महीने से कम समय में लगभग 54 दिनों में भ्रष्टाचारी पकड़े गए, और अब जो ये संघर्ष किया, आज 56वें दिन, जब 17 जनवरी को मैंने वस्त्र त्यागे थे और ये 2 गज का चोला धारण किया था और पूरी ठंड इसके अंदर निकाल दी, ना ये गर्म ना इसके अंदर कोई और गर्म वस्त्र, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये अभिमानी घमंडी झूठा नारा देने वाले, सबका साथ सबका विकास, इनका इस तरीके से आज के दिन मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। अरे, मुझको तो आपने सिर्फ सरकारी कार्यक्रम में जाने से रोका, मुझ जैसा राम कथा वाचक ब्राह्मण कसूर क्या था मेरा? ये मेरे कपड़ों पर जय सिया राम लिखा था, स्वास्तिक का निशान लगा था, और मैं बार बार एक ही बात कहता था, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई, और मुझे मेरे राम जी पे पूरा भरोसा है। आपने तो मुझे 1-2 जगह जाने से रोका, और राम जी ने तो आपको पता नहीं कहां कहां जाने से आज रोक दिया। साथियों, मैं अब भी चाहूंगा जो नई सरकार बने इसको सद्बुद्धि आए और हमारी NIT 86 की जनता का हक उनको वापस करे, नहीं तो इनका भी हश्र ऐसा ही होगा। और मैं अब की बार बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी को एक रामायण की पंक्तियां भी सुना के आया था, राधे श्याम रामायण की, रावण हनुमान संवाद की। हनुमान जी क्या कहते हैं रावण से, जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार में। मनोहर जी, आपका बल संसार में सदा नहीं रहेगा, और आपने हरियाणा में सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया तो वो ब्राह्मण समाज को किया। वैसे तो आपने सबको ही किया, सबसे पहले ब्राह्मणों की ढोली की जमीन छीनी, उसके बाद ब्राह्मणों को आप गर्दन काटने की धमकी देते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर आप गंदे गंदे प्रश्न लगवाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में, उसके बाद आप ब्राह्मणों को मुंह से भी जलील करते हैं, और जीता जाता जाग उदाहरण नीरज शर्मा है। और मैं मनोहर लाल जी आपसे एक ही